क्लेमर दिस चैनल इज फॉर एजुकेशन purpose एंड वी do नॉट रिकमेंड यू टू बाय और sell एनी स्टॉक्स टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन our predictions, प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर वी आर नॉट responsible फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस सो तो आप टेलीग्राम चैनल का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाइएगा मॉर्निंग में हमारे आपको सपोर्ट और साथ ही साथ आपको कोई एक्स्ट्रा लेवल्स में आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन जरूर हो जाएगा तो आज के लिए जो मैंने आपको कॉल्स दी थी उनमें से मैंने आपको याद होगा मैंने आपको तीन दिए थे यूट्यूब पे और एक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था पहले यूट्यूब के कॉल की बात कर ले इंदुसन बैंक मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था ट्वेंटी में शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था वन पे तो आज जो इंदुसन बैंक ओपन हुआ वो एक्जैक्टली exactly ओपन हुआ फाइव ट्वेंटी टू पर और आपको टाइम मिल गया था अगर आप अच्छे से कैच कर सकें देखिए कंफर्ट लेवल से हल्का सा बाहर आएंगे तभी आप पैसे कमा पाएंगे ऐसा सोचेंगे कि आपको बना बनाए मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है थोड़े हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट हुआ ओपनिंग होने के बाद और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टारगेट एक ही पाँच मिनट में इसने हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टारगेट को ईज़िली अचीव कर लिया था अगली कॉल थी हमारी एफडीसी की इसको बाय करना था 301 पे शॉर्ट सेल करना था 298 पे तो एफ का जो आज ओपनिंग प्राइस थी वो ही थ्री जीरो वन की थी अगर आप कैच अगर आपने कर पाए आप इसमें ट्रेड या फिर बाय कर पाए थे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा बट मैंने इसे गिना नहीं है प्रॉफिट में क्योंकि ये ओपन ही थ्री जीरो वन पर कहा था और मैंने कहा था आप इसमें ट्रेड नहीं लेंगे ऐसे टाइम पे आप वेट करेंगे गैप फिल करने का और ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे ये आज हुआ है नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड ट्रेडपुट करने जा रहे होंगे ऐसी कंडीशन में तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती जो बिल्कुल ही अपोजिट होती है उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये किस्मत की बात है कि आज ही ऊपर चलेगा बट हर बार नहीं जाएगा नीचे गिरते मार्केट में बाय नहीं करना है ऊपर चढ़ते मार्केट में शॉर्ट सेल नहीं करना है शॉर्ट सेल देखिए है शॉर्ट सेल करने के लिए भी आपको होल्ड की ज़रूरत पड़ेगी कि स्टॉक एक जगह हल्का सा होल्ड ले होल्ड ऐसा नहीं लेगा कि एकदम ही यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा ऐसा अप एंड डाउन मूवमेंट लेगा पर ये आपकी बाइंग प्राइस है और ये आपकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में हल्का सा होल्ड लेगा चिपला की मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था टू सॉरी सेवन ट्वेंटी और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था सेवन वन तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारा शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है पहले ये गैप ऑफ ओपन हुआ था गैप ऑफ ओपन होने के बाद इसने क्या करा ये डाउनवर्ड आया इसने अपना शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट किया शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करने के बाद देखिए इसने अपना तीनों टारगेट प्राइस अचीव किया फिर जब बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट हुआ तब इसने अपना फर्स्ट टारगेट प्राइस इजीलिए अचीव कर लेता तो मैं टारगेट इस तरीके से देता हूँ कि अगर स्टॉक नीचे भी बहुत नीचे जा चुका है उसके बाद जब वो ऊपर आ रहा है तो भी आपका टारगेट अचीव वो इस से मैं स्टॉक टारगेट देता हूँ फर्स्ट टारगेट प्राइज इसलिए देता हूँ तो देखिए समझने वाले समझते हैं जो नहीं समझते हैं कि पहला टारगेट प्राइस छोटा क्यों है तो अब मैं उनका कुछ नहीं कर सकता उनके साथ अब आप देखो जैसा बेटर लगता है आप वो चीज़ कीजिए कंप्लेन मत कीजिए देखिए मेरी स्ट्रेटजी ही अलग है मेरी स्ट्रेटजी हमेशा से अलग रही है और मैं हमेशा अलग ही स्ट्रेटजी पे काम करवाता हूँ फर्स्ट टारगेट प्राइस मैं इसलिए छोटा रखता हूँ ताकि आपको छोटा से छोटा प्रॉफिट हो लेकिन हो एक दिन की ट्रेड में फर्स्ट टारगेट प्राइस पर अगर आप बाहर आ जाएंगे तो डेली प्रॉफिट आप कमा सकते हैं लेकिन फर्स्ट टारगेट के प्राइज़ के बाद भी आप वेट करना चाहते तो ये रिस्क आप पे रहता है क्योंकि सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस अचीव होगा बट उसके लिए कंडीशन अलग हो जाती है मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपीरियंस ट्रेडर एक्सपीरियंस ट्रेडर इसीलिए बोलता हूँ ताकि अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पता रहेगा कि स्टॉक नीचे जब जाने वाले तो क्या कंडीशन होती है स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो क्या होती है टेलीग्राम चैनल की मैं बात करूं तो टेलीग्राम चैनल पर देखिए मैंने एक लास्ट कॉल आपको दी थी ये बाल कृष्ण की थी बाल कृष्ण इंडस्ट्रीज की इसको बाई लेवल बाईल था थावन पे और शॉर्ट सेलिंग लेवल था वन थ्री टू जीरो पर अगर आप अभी भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ज्वाइन हो जाइए तो बालकृष्ण इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूं तो इसमें देखिए शॉर्ट सेलिंग का प्राइस था तो हमारा देखिए एक चीज़ आज एक और गलती हमारे जो सब्सक्राइबर ने की वो आप मत दौराइएगा गिरते मार्केट में फिर से इन्होंने गिरते मार्केट में बाय कर लिया अब मैं जब बोल रहा हूं कि देखिए होल्ड लेना बहुत ज़रूरी है बीच में अगर उसने होल्ड नहीं लिया उस स्टॉक ने तो वो कैसे बढ़ सकता है आगे वो उस देखिए जब भी स्टॉक अगर टर्न कर रहा होगा अपनी मूवमेंट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा होगा तो हल्का सा होल्ड लेगा ही लेगा ऐसे में अगर स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था गैप अप ओपन होने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया उसके बाद नीचे गिर रहा है तो ऐसे में अगर यहाँ पे आने के बाद दोबारा से ऊपर हल्का सा ऊपर जाता है ऐसे में आपको बाय नहीं करना है मैं बार बार कह चुका हूँ और अपने न्यू व्यूर्स को भी बता दूँ कि ऐसे में आपको बाय नहीं करना है यहाँ पे देखिए इसने हल्का सा होल्ड लिया इसके बाद जाके यहाँ पे इसने कई बार होल्ड लिया उसके बाद ये ऊपर बढ़ाए तो अब इस कैंडल स्टिक में आप इजिली बाय कर सकते थे बाइक का प्राइस जो हमारा जो हमारा बाइंग प्राइस था यहाँ पर हमारा बाइंग प्राइस लेवल ब्रेक हुआ फर्स्ट टारगेट प्राइस इजली इसने, इसने अचीव कर लिया वहीं पर शॉर्ट सेलिंग की जब जो, जो नीचे गिर रहा था स्टॉक शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल है वो ब्रेक हुआ उसके बाद फर्स्ट टारगेट प्राइस आपका अचीव हो गया देखिए एग्जिट और एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट आपको करनी पड़ेगी थोड़ा कष्ट आपको भी लेना पड़ेगा ऐसे इजी नहीं होता पैसा कमाना कहीं भी थोड़ा तो थो आपको भी करना पड़ेगा लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कहाँ तक स्टॉक पहुँच सकता है क्या उसकी रेंज दे सकती है बाकी थोड़ा कस्ट तो आपको भी करना ही पड़ेगा सब्सक्राइबर्स की कॉल की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स कॉल थे उनमें से सिर्फ हमारे कैडिलैक हॉस्पिटल यानी कि कैडिला हॉस्पिटल का हमारा एस एल बाई साइड का एस एल हिट हुआ बाकी सब में देखिए आपने क्या किया मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपने क्या हुआ पहली बार में टारगेट अचीव हो गया उसके बाद दोबारा से कॉल पिक कर ली ऐसे में चांसेस ज़्यादा होते हैं एस एल हिट होने के तो पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो जाए तो दूसरी बार आप वो कॉल पिक नहीं करेंगे देखिए बाकी तो आपके सामने है किसी चीज़ के कैसे कैसे टारगेट अचीव है स्टॉक्स के नाम भी आपके सामने हैं बाकी आपको क्रॉस चेक करने इनका लेवल्स क्या था तो वो भी आप हमारा चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में विजिट मार के वेबसाइट में जब आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वैसे भी सर्च मार सकते हैं फिनवेस्ट डॉट कॉम फिनवेस्ट जब आप जाएंगे तो उसको अवर लेटेस्ट अपडेट में आपको हमारे सारे स्टॉक्स के जो भी लेवल्स थे वो मिल जाएंगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप क्रॉस चेक करें बाकी अगर आपको हमारा कोई भी प्लान सब्सक्राइब करना है तो नीचे आपको <coughs> और सब्सक्रिप्शन में हमारे दोनों प्लान मिल जाएंगे फोर नाइन्टी नाइन सेवन नाइन्टी नाइन जैसी आपकी डिमांड हो वैसे आप कर सकते हैं और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि आप कोई भी रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा हम आपको जो भी आपको डिटेल चाहिए वो प्रोवाइड कर देंगे ज्वाइन करने के बाद भी हमें डिटेल जरूर दे दीजिएगा अपनी अगर आपको व्हाट्सएप पर कॉल चाहिए वरना आपको अगर वर लेटेस्ट अपडेट में आप जब प्लान सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पर कॉल्स मिल जाएगी आपको चेक करना पड़ेगा आपको ईजिली चाहिए कि आपके व्हाट्सएप में कॉल मिले तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एक बार आ, लेने के बाद अपना सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तो 4 अगस्त 2020 के लिए जो स्टॉक्स है पहला स्टॉक है हमारा गोदरेज एगारो का ये है 472 का लेवल ब्रेकआउट होते बाय कर लेंगे टारगेट रहेगा 473.50 का पहला टारगेट प्राइस एस छोटा टारगेट प्राइस रहेगा ताकि आप को भी टारगेट मिस ना करें सेकंड टारगेट प्राइस जाएगा 475 का थर्ड टारगेट प्राइस जाएगा 478 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 469 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा आपका 468 का टारगेट प्राइस जाएगा 466.50 का पहला टारगेट प्राइस सेकंड टारगेट फाइज 463 और 460 का आपका थर्ड टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस रहेगा वन गिरते मार्केट में आप बाई नहीं करेंगे और बढ़ते मार्केट में आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे बस ध्यान रखिएगा अगला स्टॉक है हमारा भारत फोक जिसे आप बाय कर सकते हैं 387 में स्टॉक टारगेट प्राइस रहेगा आपका 388 का और सेकेंड टैगेट प्राइज रहेगा थ्री नाइनटी का थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा 392 का टू का स्टॉपलस रहेगा 384 का शॉर्ट सेलिंग करेंगे 383 पे स्टॉप लॉस रहेगा 382 का टारगेट प्राइस रहेगा 380 सॉरी फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 382 फिर 380 और थ्री सेवेंटी एट का लॉस रहेगा इस स्टॉक में आपका थ्री का और बाकी की जो दो कॉल्स है वो मैं मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का वहाँ हम ज्वाइन कर लीजिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं में स्क्रीन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा आप हमारी वेबसाइट पर विजिट मार सकते हैं वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कुछ सीखने को मिला और जैसा कि मैंने कहा है मॉर्निंग में मैं आपको कॉल्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और देखिए ट्रेड करते समय ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई है मिलते हैं अगली वीडियो के साथ या आज जो मैंने स्टॉक दिए वो कल मैं रिव्यू भी कर दूंगा अपने पेड क्लाइंट्स की कॉल भी रिव्यू करके आपको दिखा दूंगा